ये तो बढ़िया है मोमी जो था उससे बढ़िया है दूरदर्शन वाला इससे अच्छा था। ये तो न्यू में वर्जन कर दिया गया है ना, इससे अच्छा तो दूरदर्शन वाला ही था। डायलॉग्स वगैरह जैसे अभी कुछ आ रखी सब चेंज है, बदला जाए इसमें, तो क्या आपको लगता है कि आपको देखने वाले डायलॉग्स में कुछ बदलना चाहिए? जो बन गया आप क्या बदलेगा बताइए। नमस्कार, टी न्यूज उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ हूँ अनु चित्रांश। एक मूवी आती है, रिलीज होती है और फिर विवाद के घेरे में घिर जाती है। विवाद कुछ इस कदर बढ़ता है कि हफ्ते के अंदर ही मूवी डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को मूवी का डायलॉग चेंज करना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष की। प्रभास मौली, कृति सैनन और सैफ अली खान की मल्टी स्टारर ये आदि पुरुष मूवी चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि आपको ताजा अपडेट दे दें तो इस मूवी के डायलॉग भी चेंज कर दिए गए हैं मनोज मुंतशिर के द्वारा, लेकिन फिर भी अभी ये मूवी अर्निंग इसकी अच्छी नहीं आ रही है। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मूवी को लेकर लोगों के क्या विचार हैं, क्या रिव्यू देना चाहते हैं वो। मूवी अच्छी बनी हुई है, अगर लोगों को लगता हुआ है कि इसमें डायलॉग चेंज करने चाहिए या ऐसा कुछ हमारे दिमाग में हमको ऐसा नहीं लगा है, जो जनरेशन के हिसाब से है उस हिसाब से मूवी ठीक है, अच्छी चल रही है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। हमारे साथ मैं बैठा था सिनेमा हॉल में, काफ़ी भीड़ थी और लोग इंजॉय भी कर रहे थे, बच्चे भी थे और हम लोग साथ थे, फैमिली के साथ हम भी आए हैं, सब लोग इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा मूवी। और पूरी रामायण की गाथा उस पर लिखी गई है, भगवान राम के ऊपर जो भी है और जो माता सीता के साथ हुआ वो आने वाली पीढ़ी में किसी के साथ ना हो, उस अध्याय को लेके ही काम किया गया है। मैम ये एक सवाल, जैसे जो पात्र को चयन इसमें हुआ है या फिर ड्रेस वगैरह है, वो क्या लगता है आपको? ड्रेस वगैरह जो दिया गया है, जो एक लंका पे वो जगह था उस हिसाब से उनका ड्रेस भी था, सही था। जिस हिसाब से सीता का रोल रामायण में किया गया था उस हिसाब से वो भी था जो इसमें दिखाया गया है, सीता के रोल में सही था। मूवी जैसे पहले हमने सुना था कि डायलॉग्स उसके जो है काफ़ी भद्दे थे, तो अब वो डायलॉग चेंज हो चुके हैं, इसलिए अब मूवी बहुत देखने लायक है। अब हम सबको रेफर करेंगे कि वो सजेस्ट करेंगे कि मूवी देखें। पहले मूवी में डायलॉग था कि आग तेरे बाप का लंका और जले भी तेरे बाप की, वो चेंज हो चुका है, उसके जगह पे अच्छा डायलॉग आ चुका है। अब हम चाहेंगे कि अब सब लोग देखें, मूवी बहुत अच्छी है। गाने उन्हें जो भी हैं एकदम बढ़िया है, मतलब कि गूस बम्स आ रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं गाने सुनने। हाँ बिल्कुल, पैसा वसूल। इसमें सेम वही चीज है, लेकिन वो जिसमें वो जानवर को मांस खिला रहे हैं वही बस वो अंतर है। अभी कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है इस मूवी को लेके, कि इसके जो लैंग्वेजेस हैं वाला, क्या आपको लगता है कि आज के हिसाब से वो चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, वैसे तो बहुत अच्छी है ये चीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस वही मांस जो आ रहा है बस उसी के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं हर जगह ये चीज हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं विजय पिक्चर पैलेस के मैनेजर सर श्री स्वतंत्र पांडे जी, तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं आदि पुरुष को लेकर इनकी क्या विचार है और क्या अर्निंग हो रही है इस समय पिक्चर पैलेस में, तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर क्या अर्निंग हो रही है आदि पुरुष पिक्चर की इस टाइम? इस टाइम अभी तो स्टार्टिंग में मूवी रिलीज हुई है तो 3 दिन तो बहुत अच्छा गया है, कलेक्शन 90% तक हुआ है और 400 मेरे हाउसफुल रहे हैं। बट यह कि मंडे से फॉल होते गया और अभी तक फॉल होते जा रहा है, लगभग 75% फॉल हुआ है बिजनेस में। तो जो डायलॉग चेंज हुए हैं अब मनोज मुंतशिर के द्वारा, जो डायलॉग चेंज किए गए हैं उसके बाद से लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं या नहीं इस मूवी में? नहीं, डायलॉग चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ा है। एक बार इसकी पब्लिसिटी हो गई, माउथ पब्लिसिटी, कि मूवी अच्छी नहीं है, डायलॉग अच्छे नहीं है, बाकी सारी चीजें कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, इसका बायकॉट हो रहा है, उसका असर लोगों पर है, लोग फैमिली लेकर नहीं निकल रहे हैं, पिक्चर नहीं देखना जा रहे हैं और डे बाय डे ये मूवी डाउन होती जा रही है। मतलब बायकॉट की स्थिति, बायकॉट की स्थिति हो गई है, डे बाय डे ये डाउन होते जा रहे हैं। आपको, आप क्या किस उससे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं मूवी को? नहीं, ये तो बिजनेस है हमारे लिए, मूवी इनको बनानी चाहिए ऐसे कि प्रेरणादायक है, लोग समझ में आए, लेकिन ये पूरी तरह से एनिमेटेड कार्टून बना दिए हैं, इसके डायलॉग कुछ
अजीब तरह के इन्होंने लिखे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसी लोग इधर रुझान कम हो रहा है, इसी लोग इधर देखना नहीं चाह रहे मूवी को। धन्यवाद सर।